कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग गई पवन सिंह के एक पोस्ट से कि लोगों ने पवन सिंह के ही आईडी पर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगी। चलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी लाग लपेट के। तो आपने देखा होगा कि पुदीना वाले सॉन्ग पर पवन सिंह के कल एक इंस्टा पे पोस्ट आया जिसमें उस पर 100 मिलियन प्लस व्यूज़ नहीं दिया गया था 250 मिलियन व्यू। तो वही कुछ लोग हैं जो कि भड़क गए, और भड़क क्या गए, कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगे इस गाने को लेकर कि लोग यहाँ तक कि पवन को गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगे और कहने लगे कि भाई तुम्हारा गाना तो अभी 100 मिलियन प्लस पहुँचा है, तो तुमने इस गाने को 250 मिलियन व्यूज़ का पोस्टर लगाकर क्यों लोगों को बता रहे हैं। तो वैसे आपको बता दें कि जब ये गाना 50 मिलियन भी नहीं पहुंचा था तब एक बार एक और पोस्ट की गई थी जहां पर इस गाने को 100 मिलियन प्लस बताया गया था। तभी भी पवन सिंह ने उन गानों को वेब म्यूज़िक ने कौन कौन से अपने चैनल पर रिलीज़ किया है इसको मेंशन किया था, लेकिन तभी भी लोग नहीं समझे थे, तब हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज हमें बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि लोग जो ऐसा कर रहे हैं, आप पहले वो पोस्टर देखिए। उस पोस्टर पे पवन सिंह ने बकायदा, पवन सिंह की जो टीम है उसने बकायदा उन चैनलों को मेंशन किया है। जी हाँ, वो चैनल काफ़ी सारे हैं। आपको बता दें वेब म्यूज़िक एक बहुत बड़ी कंपनी है, भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है, और वहाँ से उनके कई को चैनल हैं। लेकिन भोजपुरी में वेब म्यूज़िक जो बहुत बड़ा चैनल है उसके कई और चैनल हैं, और उस पर एक साथ पुदीना को रिलीज़ किया गया था। वैसे आपको बता दें कि कुछ पर बाद में भी रिलीज़ किया गया पुदीना की कामयाबी को देखते हुए। तो ये सब कुछ अगर आप मिला देंगे, अगर वेब ने ये गलती ना की होती कि इस गाने को और भी जगह रिलीज़ किया होता, तो नो डाउट ये गाना आज 250 मिलियन क्रॉस किया ही होता। खैर, गलती किसी और की, लोकता ने पवन सिंह को मार रहे हैं। अब हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई हो, तो ऐसा ना कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।